नमस्कार दोस्तों, अनपुन नर्सरी चैनल पर मैं एकता आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ सैंडविच केक, जो खाने में टेस्टी है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये सिर्फ 4 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है और एक ही इंग्रेडिएंट से हम इसे बनाकर तैयार करेंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए मैंने बॉनबॉन बिस्किट के पैकेट लिए हैं। ये 2 पैकेट है, एक बड़ा एक छोटा है। अगर आप छोटे यूज़ कर रहे हैं तो आप 3 पैकेट यूज़ कर सकते हैं। तो इनको हम खोल लेंगे। आप कोई भी चॉकलेट बिस्किट ले सकते हैं ये सैंडविच केक बनाने के लिए। सभी बिस्किट निकाल लेंगे। अगर आप इसकी क्रीम निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। मैं इसकी क्रीम नहीं निकाल रही हूँ। देखिए, इस तरह से हम इनको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लेंगे। देखिए फ्रेंड, मैंने सभी बिस्किट तोड़कर बिल्कुल तैयार कर लिए हैं और अब हमें इनका पाउडर बनाना है। तो पाउडर बनाने के लिए हम एक मिक्सी का जार लेंगे, उसके अंदर बिस्किट डाल देंगे। तो मैं थोड़े थोड़े कर पीसूंगी, ज़्यादा एक साथ नहीं पीसेंगे, नहीं तो ये पीस नहीं पाएंगे। देखिए, इस तरह से इनका पाउडर बना लेंगे। देखिए, मैंने पाउडर बना लिया है और अब हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा दूध डालकर हम इसका घोल बनाएंगे। मैंने 1 कप दूध लिया है, थोड़ा थोड़ा ही डालेंगे हम। और इसके अंदर कुछ भी नहीं चाहिए फ्रेंड, क्योंकि बिस्किट काफ़ी मीठा है तो केक के अंदर मीठा डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्रीम वाले बिस्किट है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हम इसे साइड में रख देंगे। आज मैं केक इडली स्टैंड में बना रही हूँ, तो मैं इडली का सांचा लिया है। इसे हम तेल से ग्रीस करेंगे। देखिए, थोड़ा थोड़ा तेल लगा के ग्रीस कर लेंगे। अगर आपके पास इडली का सांचा नहीं है तो आप कोई भी स्टील की कटोरी, कागज़ के कप, जो कॉफ़ी कप आते हैं, वो भी ले सकते हैं केक को बनाने के लिए। देखिए, मैंने सभी सांचों को बहुत ही अच्छे से ग्रीस कर दिया है और अब हम बैटर को चेक कर लेंगे। बैटर जो है काफ़ी गाढ़ा हो गया है। थोड़ा सा दूध और डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा पूरा 1 कप दूध लग जाएगा फ्रेंड इस बैटर को बनाने में। देखिए, मैंने बहुत ही अच्छे से फेंट दिया है और अब हम इसके अंदर डालेंगे इनो। ये मैंने 1 पाउच इनो का लिया है, मैं पूरा ही यूज़ करूँगी। अगर आपके पास इनो पाउडर नहीं है तो आप इसके अंदर बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर और 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लें। देखिए, मैंने बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इडली वाले सांचे में 1-1 चम्मच बैटर डालेंगे। अगर आप केक थोड़ा मोटा बनाना चाहते हैं तो 2-2 चम्मच बैटर भी डाल सकते हैं, पर हम इसके सैंडविच बनाएंगे तो मैं ज़्यादा मोटा केक नहीं बनाऊँगी। बहुत ही आसान विधि है फ्रेंड और 4 मिनट में ये बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। इसे आप बच्चों के बर्थडे पे भी बना सकते हैं। बच्चों को जब केक खाने का मन हो तब भी आप झटपट ये केक बनाकर तैयार कर सकते हैं। सिर्फ 1 इंग्रेडिएंट से ये केक बनकर तैयार हो जाता है। देखिए, सभी सांचे जो है मैंने भर दिए हैं। हल्का सा टैप कर लेंगे और अब हम इसको स्टीम करेंगे। स्टीम करने के लिए मैंने पहले ही पानी गर्म कर लिया था। मैंने 1.5 गिलास पानी लिया था और उसे मैंने गर्म करना रख दिया था। पानी अच्छे से गर्म हो गया है। अब ये स्टैंड हम इसके अंदर रख देंगे और इसे ऊपर से कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम सिर्फ 4 मिनट तक इसे स्टीम होने देंगे। 4 मिनट बाद फ्रेंड हम वापस से चेक करेंगे। आप देख सकते हैं केक जो है बिल्कुल अच्छे से पक गए हैं। अब हम टूथपिन से भी चेक कर लेते हैं। टूथपिन जो है एकदम साफ आ रही है। सभी केक को मैं चेक कर लूँगी और अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। मैंने सिर्फ इसे 4 मिनट तक स्टीम करा है। आप घड़ी देखकर स्टीम कर सकते हैं और अब हम इसे
ठंडा होने देंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए तभी निकालें, वरना ये चिपक जाएगा, क्योंकि हमने कोई बटर पेपर वगैरह नहीं लगाया है। तो ध्यान रहे एकदम ठंडा हो जाए तभी निकालें। तब तक हम इस आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने इसके लिए आधा कप व्हिपिंग क्रीम ली है। ये एकदम ठंडी है, आप कोई भी ब्रांड का व्हिपिंग क्रीम ले सकते हैं। और अब हम इसे बीट कर लेंगे। तो फ्रेंड, इसके अंदर मैंने व्हिपिंग क्रीम का यूज़ करा है। अगर आप वाइट क्रीम वाले बिस्किट यूज़ कर रहे हैं ओरियो के, तो उसकी क्रीम निकाल कर उसके अंदर थोड़ा सा दूध मिलाकर उसे अच्छे से फेंट लें तो आपकी क्रीम तैयार हो जाएगी। आप वो भी सैंडविच के अंदर लगा सकते हैं। देखिए, क्रीम को मैंने व्हिप कर लिया है और अब हम इसके अंदर 2 चम्मच पिसी हुई शुगर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप उस तरह से भी क्रीम बना सकते हैं, वो भी आप सैंडविच के अंदर लगा सकते हैं। तो आपको व्हिपिंग क्रीम खरीदने की फिर ज़रूरत नहीं है। देखिए, मैंने बहुत ही अच्छे से इसे व्हिप कर लिया है। अब हम इसे एक पाइपिंग बैग में भर लेंगे और अब हम केक निकाल लेते हैं। हमारे बहुत ही सावधानी से निकाले फ्रेंड, ताकि ये टूटे नहीं, बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे ठंडे होने के बाद। देखिए कितना जालीदार केक बना है हमारा, बहुत ही अच्छा बना है और दिखने में भी सुंदर है और बहुत ही आराम से निकल रहा है ये। तो सभी हमने इसी तरह निकाल लिए हैं। अब हम सैंडविच बनाएंगे। एक केक लेंगे, उसके अंदर हम व्हिप क्रीम लगा देंगे। मेरा जो ये जो पाइपिंग बैग है, ये भी फ्रेंड थोड़ा सा ख़राब हो रहा है। हम चम्मच से भी आप लगा सकते हैं, निकल रही है इसमें से क्रीम, ये थोड़ा टूट गया है। तो अब हम इसके ऊपर दूसरा केक रख देंगे। देखिए, हमारा सैंडविच बिल्कुल तैयार है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रीमी और बहुत ही सॉफ्ट बना है ये। और चेरी से मैं इसे डेकोरेट कर दूंगी। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, खाने में उतना ही टेस्टी है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका यह है टेस्टी केक कैसा बना। तो फ्रेंड, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अन्नपूर्णा रसोई चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी ज़रूर दबाएं मेरे आने वाली वीडियो को देखने के लिए। मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम को भी ज़रूर फॉलो करें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।